ये देखिए दोस्तों, अभी हमने कुछ टाइम पहले ये मेथी बोई थी सब्जी वगैरह, और ये मेथी है और ये राई, इस तरफ को मूली और ये देसी पालक, और उस तरफ को ये है पहाड़ी पालक। और आज धूप बहुत अच्छी है, सोलर पैनल अच्छे से चार्ज हो रहा है, हमने मोटर भी चला रखी है, यहाँ ड्रम में चढ़ रहा है भी पानी। दोस्तों यह है दीपू का घर, और दीपू की क्यारी बाड़ी में हो रखा है, इधर तोरी के बेल चढ़े हुए हैं सारे, और इस तरफ को ये अदरक लगा रखा है, और इस तरफ को अभी सब्जी लगाने की प्रोग्रेस चली है, और यहाँ लहसुन लगा दिया, और दीपू तोड़ रहे हैं हमारे लिए कद्दू। ये पूरी कद्दू की बेल है, और एक यहाँ पे भी लगा हुआ है। क्या क्या वो रखा है इसमें? इसमें तो लहसुन बोल रखा है, इधर मैंने मिर्ची बोल रखी है, मिर्ची होने वाली है, हो गई है, बाकी इधर अदरक हुआ है। एक बार हाई कर, सब तेरे को बहुत पसंद करने लगे दोस्तों। यह कद्दू छोटा सा, इन दो 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 तीन जनों के लिए हो जाएगा, एक सब्जी है बस ये। एक उधर भी लगी है, अगर किसी को कद्दू चाहिए तो दीपू के पास बहुत सारे कद्दू लगे हैं, 500 रुपए किलो। और ये है माल्टा, खाने में मीठा होता है, ये भी कच्चे हैं, अभी कुछ टाइम बाद पक जाएंगे, मीठा होता है बहुत, दिसंबर में पक जाएंगे। कद्दू यहाँ भी लगे हैं आम के पेड़ पे। अपने खेत के कूट के पिलाता हूँ, गुड, मतलब बेचने के लिए नहीं है, चाय पियेंगे, चाय के लिए है सिर्फ। कितने की चाय है तुम्हारी? मात्र हमारी 20 रुपए की चाय है, छोटे से गिलास में, और बाकी पपीता जिसे खाना, पपीते भी लगे हैं, अभी हमारी चिड़ियाँ खा रही हैं पपीते, यहाँ पपीता लगे हैं, और ये ग्लोय की बेल चढ़ी है। यह ग्लोय की बेल, ये मोटा वाला भी वही है, हाँ ये वाला, मतलब अगर पपीते तोड़ने तो इसी को खींच लो ऐसे, भाई पपीते का पेड़ टूट जाएगा। हाँ तोरी तोड़ो हमारे लिए, हम किसी के हाथ नहीं डालते, किसी की बागवानी में, हमारी बागवानी ऐसी नहीं है, हमारी बागवानी बहुत लाइन वाला है या बगैर लाइन वाला है, बड़ा मीठा होता है उसकी सब्जी। ये खाने लायक है या वो घास जैसा हो गया होगा अंदर? अब तो ये सब्जी लायक नहीं हो गया, पर इसका जूस बना के पी सकते हैं। इसका जूस पियेंगे। और बदबू हो गए रे, जो खराब हो गए। दोस्तों शॉप पे आए हैं हमारे सब्सक्राइबर काशीपुर से, ये दोनों एक ही नाम के हैं, नवीन जी, कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगा बीरू भाई आपसे मिलके। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत, और आपकी यहाँ के जो टेस्ट है, हाँ यार वो भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू, और मैं सबसे कहता हूँ कि कॉर्बेट अगर आए तो मैगी पॉइंट पे जरूर रुके। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर आज कहाँ का टूर है आप लोगों का? जी मनाली, मानीला, मानीला जाना है काशीपुर से। अच्छा अच्छा, और मानीला में एक होटल है बासियाना करके, ऐसे भी नाम है, काफी बड़ा होटल है, उसमें हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। अरे वाह, अभी हम लोग पहले मरचूला, उसके बाद में फिर उधर घूमते जाएंगे। भाई साहब का काशीपुर में अपना एम्ब्रॉयडर्ड का टी शर्ट प्रिंट वगैरह, मेरा होटल यूनिफॉर्म, होटल यूनिफॉर्म का काम है, टेलर्स के नाम से। अच्छा, मोस्टली कॉर्बेट के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज में मैं काम करता हूँ, मतलब कॉर्बेट और रणथंबोर दोनों पकड़े हैं आपने? कॉर्बेट, रणथंबोर, और अपना नैनीताल, भीमताल, कोसानी में है पृथ्वीचा रिसोर्ट,
ये गजेंद्र मेहरा जी का है। हाँ जी, हाँ जी, जिनका भी है नहीं अपने कॉर्बेट का। हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया है। चलो कभी हमारी शॉप भी थोड़ा डेवलप होगी तो हम भी अपना एक ड्रेस कोड बनवाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। डेवलप है, वर्ल्ड फेमस है भाई। आपकी शॉप तो बहुत फेमस है, जिसको बहुत फेमस है। इंटरनेट पे नाम चल रहा है क्या आप? थोड़ा भी मैगी पॉइंट तो वो भी अपना वर्ल्ड फेमस है। तो कभी मुंबई से बहुत बहुत दूर से सब्सक्राइबर आते हैं। क्या था ना, आजकल फेमस होने के लिए क्या है ना, बस एक लक है, इसका नाम नेट पर चढ़ गया और लोगों ने जिसे पसंद कर लिया। अब आपके 7-8 हजार जो भी आपके 11-12-10-12 हजार जो भी सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है आपके, तो वो आपके एक तरीके से फॉलोवर हो गए, तो उन सबको तो आपके बारे में पता ही हुई क्या? बिल्कुल, है नहीं है। अब उनको चाहने वाले जैसे मैं हूँ, आज मैं एक आपको बढ़ गया। हाँ जी बिल्कुल, पहले से। चलिए जी जी, बहुत बढ़िया। ओके ओके, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। चलो एक फोटो ले लो भाई के साथ। नहीं, कितने सारे फीसेस हैं यहाँ पे, भाग रही हैं। पहुँच गया हूँ दोस्तों रिवर पे, और रिवर आज पानी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन पानी अभी भी गंदा है। अभी कुछ दिन पहले जब बाढ़ आई थी तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पानी चढ़ा हुआ था, और पानी था यहाँ तक, और अभी इतना कम हो गया नीचे। यहाँ तक चढ़ा हुआ था पानी, यहाँ तक, यहाँ से इतना कम हो गया अभी। मतलब कि जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, पानी पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 फीट है, ये इतना पानी बढ़ा हुआ था। जो टाइगर मुझे सेकंड टाइम जब दिखा था, जब पानी से उठ के जब वो हल्का सा बिल्कुल सरकता हुआ दिखाई दिया था, वो ये लोकेशन थी। आपको दिखाता हूँ जूम करके, वो ये लोकेशन थी, और यहाँ से वो चढ़ के ऐसे किरा झाड़ियों से अंदर चला गया था। और सेकंड बार जब मुझे टाइगर दिखा था, ये जो सामने पेड़ है जिसमें अभी ये बया के घोंसले लगे हुए हैं, ये बीच में एक टीला है, ये वाला टीला है, और इसके पीछे भी नदी है, तो इसी के पीछे की तरफ उसने गाय मार रखी थी और उसको खा के वो वापस से पानी में गया हुआ था। टाइगर था यहाँ और हम लोग थे यहाँ, जो एक खूंटा दिख रहा है कि खूंटे के पास थे, तो यहाँ से इतना दूर। कल भी टाइगर यहाँ से निकला है, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकला था, उस शायद 5 बज रहे थे उस समय, हम लोग उठे भी नहीं थे उस टाइम, रिवर पे कॉल चल रही थी, तो वो यहाँ से गया था उधर। अब वहाँ से वो शाम को ही निकला होगा फिर, क्योंकि दिन में तो इधर को हमारे गांव वाले आ जाते हैं कोई लकड़ी ले लेने के लिए, क्योंकि आजकल बाढ़ में जो लकड़ियाँ बह के आ रखी हैं, लकड़ी को उठाने आ जाते हैं, और कुछ लोग फिशिंग करने आ जाते हैं, कांटा लगाते हैं। और अभी देखिए नीचे भी कुछ लोग कांटे लगा रहे हैं, और सामने गिरजा टेम्पल भी है। दिन में आवाज़ आवी रहती है इधर, दिन में रहता नहीं है। पहुंच गया मैं पनौर नाले पे, और ये नाला अभी कुछ दिन बाद ही सूख जाएगा। सितंबर लास्ट तक ये पूरा सूख जाता है, फिर ये अगली बरसात में आएगा, या सर्दियों में अगर 1-2 दिन कंटिन्यूस बारिश होती है ये तब आता है। और ये पानी आता है डिकाला वाला जंगल का, ये अमरूद भी हो गए अब ख़त्म,
ये सारा पुदीना हो रहा है, ये सारा पुदीना है इस वाले एरिया में, और बाकी ये तुलसी है। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठा हुआ था बुआ जी के घर पे, और मुझे कॉलिंग की आवाज़ हुई तो मैं ऊपर पेड़ पे चढ़ गया वापस से। उधर सामने हिरन खड़े हैं पर अभी शांत हैं, दो बार बोले लगा कि कुछ है, लेकिन जब हिरन को देखा तो वो घास चुगने में लगे हुए हैं। फिर से बोला ये नॉर्मल कॉल है अभी इनकी, ये खतरे वाली कॉल नहीं है। अगर कुछ खतरे वाली कॉल होगी तो अकेला नहीं बोलेगा, फिर दो तीन इकट्ठा बोलेंगे। और ये अपने ही कोड वर्ड में कुछ ऐसा बोलते हैं कि सारे अलर्ट हो जाते हैं। तो इसमें एक दो तो अलर्ट हैं, बाकी घास चुगने में लगे हुए, तो मतलब कि अभी कोई खतरा नहीं है उनको। और जहाँ पर हमें टाइगर स्पॉट हुआ था वहीं से हिरन भी आ रहे हैं नीचे को अभी। इस वाले एरिया पे हुआ था टाइगर स्पॉट। फिर भी अगर कुछ होगा तो ये अलार्म कॉल करेंगे, उससे पता चल जाएगा। तो अभी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, और ये पेड़ है कंजू का। इससे हम लोग क्या करते थे पहले बचपन में, इस पत्ते को ऐसे रोल करके और अपने दांतों को ब्रश करते थे। बहुत तीखा होता है लेकिन दांत बहुत साफ हो जाते हैं, और जो मसूड़े होते हैं वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब निकलते हैं घर को, और साइटिंग वगैरह तो आज कुछ खास थी नहीं, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को करें सब्सक्राइब।